हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज कोड 013। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन बाय लाइन। इट्स अ वेरी गुड पोएम एंड इट टॉक्स अबाउट ट्रीज। वेल, I'll first of all read it out and then I will explain. So the title of this poem is Woodman Spare That Tree. Woodman means जो लकड़ी काटने वाला व्यक्ति होता है, लकड़हारा भी कहते हैं उसे, या तो काश्तकार भी कह सकते हैं आप। तो Woodman Spare That Tree, spare छोड़ दो, रहने दो, छोड़ दो, ठीक है। तो वुडमैन छोड़ दो उस ट्री को, उस पेड़ को, तुम रहने दो, उस पेड़ को छोड़ दो, यानी उस पेड़ को हानि मत पहुंचाओ, ये टाइटल है। द पोएट इज जॉर्ज पोप मॉरिस, ये अमेरिकन पोएट है एंड इन्होंने जब वो पोएम लिखी थी और ये जब पब्लिश हुई थी तो जो ईयर था वो था 1837, यानी आज से लगभग 183 साल पहले ये पोएम लिखी गई थी। और तब भी पेड़ों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा था, और उसके पहले भी था इम्पोर्टेंस, और आज तो बहुत ही ज़्यादा पेड़ों का इम्पोर्टेंस है। तो पहले तो मैं ये पोएम रीड करता हूँ, फिर इसकी स्पेशलिटी बताता हूँ आपको, एंड देन आई विल कम टू दी फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, Woodman, spare that tree. Touch not a single bough. In youth it sheltered me, and I'll protect it now. 'Twas my forefather's hand that placed it near his cot. There, woodman, let it stand. Thy axe shall harm it not. That old familiar tree whose glory and renown are spread over land and sea, and wouldst thou hew it down? Woodman, forbear thy stroke, cut not its earthbound ties. Oh, spare that aged oak, now towering to the skies. When but an idle boy, I sought its grateful shade. In all their gushing joy, here too my sisters played. My mother kissed me here, my father pressed my hand. Forgive this foolish tear, but let that old oak stand. इस पोएम के ठीक नीचे एक ग्लॉसरी दी हुई है, आप देख सकते हैं। ग्लॉसरी में सबसे पहला जो वर्ड है वो है स्पेयर। स्पेयर का मतलब छोड़ देना या रहने देना, यानी कि नुकसान करने से रहने देना। तो यहाँ पे लिखा है नॉट टू हर्ट या हार्म, किसी को नुकसान ना करना, उसे छोड़ देना, तो उसको स्पेयर करना कहते हैं। स्पेयर करने, स्पेयर के अलग मीनिंग भी होते हैं। स्पेयर मतलब अतिरिक्त कोई चीज़ पड़ी हो, ठीक है, जिसका काम अभी तक आपने उसको काम में नहीं लिया, लेकिन हाँ आपने इसलिए उसको रखा है ताकि कभी काम पड़े तो आप उसे ले सकते हैं, ठीक है, जैसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं उस तरह से। पर यहाँ पर स्पेयर का मतलब है छोड़ देना, रहने देना। दूसरा वर्ड है शेल्टर। शेल्टर मतलब आश्रय देना, ठीक है, आश्रय देना यानी एक तरह से रक्षा करना। एक्स, ये जो ए एक्स लिखा हुआ है पोएम में, वो पुरानी, मैंने जैसा आपको बताया ये 183 साल पहले ये पोएम लिखी गई थी, तो पुरानी जो इंग्लिश है उसमें एक्स का जो स्पेलिंग होता था वो ये होता था, ए एक्स। बाद में लोग ए एक्स ई यूज़ करने लगे। तो ये होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, यहाँ पर दिया है, तो कुल्हाड़ी। ओके, एक ये वर्ड आया ह्यू, ह्यू का मतलब कट, काट देना, ठीक है, काट कर गिरा देना, ह्यू का मतलब काट कर गिरा देना। और उसके बाद है फोरबेयर, फोरबेयर का मतलब
एक तरह से रोकना या नियंत्रण में रखना, फॉरबेयर करना, रोकना, नियंत्रण में रखना। दूसरा है नेक्स्ट अर्थ बाउंड टाइज। अर्थ बाउंड टाइज का मतलब जड़ें, ठीक है। ऐसे अगर एक एक करके इनका मीनिंग समझा जाए, अर्थ का मतलब पृथ्वी भी है और मिट्टी भी, लेकिन यहाँ पर मिट्टी लेंगे या ज़मीन लेंगे, और ज़मीन से बाउंड यानी कि जुड़ी हुई, टाइज का मतलब बंधन, ज़मीन से जुड़े हुए बंधन, इसका मतलब जड़ें, ठीक है। गशिंग का मतलब ओवरफ्लोइंग, बहुत ही अत्यधिक आप कह सकते हैं। एक ग्लास में आप पानी भरो और फुल हो जाने के बाद भी अगर आप भरते रहेंगे तो क्या होगा, पानी छलकने लगेगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, तो यही इसको ही बोलते हैं ओवरफ्लोइंग। तो किसी भी चीज़ का है, इसमें जॉय की बात की गई है, आनंद की, तो आनंद अगर ओवरफ्लो होता है इसका मतलब आप भावुक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक खुशी होती है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने पहले सोचा आपको समझा दूँ। अब इस पोएम में है क्या, सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ, छोटा सा समरी आपको दे देता हूँ। ओक नाम के पेड़ को, जो कि बहुत विशाल है, कई सालों से एक ही जगह पर है, और उस पेड़ ने कई लोगों को छाया दी है, कई लोगों को आश्रय दिया है, तो उनमें से एक व्यक्ति है ये जो पोएट है वो। तो जब पोएट एक तरह से बड़ा हो जाता है और वो देखता है कि एक वुडमैन है, एक लकड़हारा है, वो उस ओक के पेड़ को काटने के लिए आया है, तो ही गोज देयर एंड स्टॉप्स हिम एंड टेल्स हिम नॉट टू कट दैट ट्री, ठीक है, इस पेड़ को मत काटो, एक डाली को भी तुम छूना मत। जब मैं युवान था, यानी कि जब मेरी जब मैं युवावस्था में था, तब इस पेड़ ने ही मुझे आश्रय दिया था और अब मैं इसकी रक्षा करूँगा। ये पेड़ किसने लगाया था, ये उस लकड़हारे को बोलता है, ये पेड़ किसने लगाया था, ये पेड़ मेरे फोर फादर यानी कि मेरे पूर्वज ने लगाया था, और कहाँ लगाया था, तो मेरे पूर्वज अपनी खाट के पास में ही इन्होंने अपने हाथों से इस पेड़ को लगाया था, जहाँ ये आराम करते थे अपनी खाट के एकदम पास में ही इस पेड़ को लगाया था। और फिर वो ये जो पोएट है वो कहता है कि तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है इसको नुकसान ना पहुँचाने पाए, ये ध्यान रखना, ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है और हमसे काफ़ी परिचित है, हम इसे इस पेड़ को भली भांति जानते हैं, इसकी ख्याति, इसकी कीर्ति समुद्र के उस पार भी फैली हुई है, ज़मीन के उस पार भी फैली हुई है, मतलब देश विदेश में इसकी कीर्ति फैली हुई है, और तुम इसे काट देना चाहते हो, रोक दो अपने प्रहार को और इसकी जड़ें मत काटो, ये तो पुराना बूढ़ा ओक है, अब कितने सालों बाद ये आसमान में ये ऊंचाई पर है। और फिर बाद में पोएट अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि जब मैं एक ऐसा लड़का था जिसके पास कोई काम नहीं होता था, निठल्ला बैठा हुआ रहता था, ठीक है, तब मुझे इसकी छांव की ज़रूरत होती थी, मैं इसकी छांव ढूंढता था, यानी मैं तभी इस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता था, और इसने मुझे बहुत आनंद दिया, और इसी पेड़ की छांव के नीचे अत्यधिक आनंदित होकर मेरी सिस्टर्स भी यहाँ खेली हैं। कैसे भूल जाऊँ वो दिन, मेरी मदर ने मुझे किस किया है यहाँ पर, मतलब मेरी मदर ने मुझे यहाँ बहुत सारा प्यार किया है इसी पेड़ के नीचे, और इसी पेड़ के नीचे मेरे फादर ने मुझे मेरा हाथ पकड़कर चलाया है, तो कैसे भूल जाऊँ ये, और ये मेरी आँखों में जो आंसू हैं इसे तुम छोड़ो, इसकी तरफ ध्यान मत दो, बस तुम इतना ध्यान दो कि तुम्हें इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस पेड़ को वहीं रहने दो जहां है।